प्यार अदर नाल उच्चारण करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी अंदर संगत शब्द, सत संगत शब्द, साध संगत शब्द, संत संगत शब्द, हजूर ने बहुत थाई इस दी वरतों की थी। ते साड़ी जबान दे ऊपर भी ये शब्द जदो असी गुरुद्वारा साहब आने हाँ ते ये बदोबदी जबान तो शब्द निकलता है गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु प्यारे सत संगी जनो, गुरु प्यारे साध संगियो। इस शब्द नू असी गुरुद्वारा साहब अंदर तकरीबन रोज ही वरतदे। देखो इंसान दी जिंदगी उस विच बड़ी बड़ी तब्दीली दा कारण उस दे चुगिरदे दी सोसाइटी है। जिहो जी संगत इंसान करेगा ओहो जिहा ओहदे ख्यालात बनने शुरू हो जाएंगे, जिहो जिहा उसदे ख्यालात विचार बनगे ओहो जिहा इंसान कर्म करन लग पवेगा। जे जिहो जिहा कर्म इंसान अपनी जिंदगी च करेगा ओ कर्म ही उसका बीज बन के फ्यूचर बन गए, भविख बन गए, ओ कर्म ही उसकी जिंदगी का फिर नबेड़ा कर देंगे। क्योंकि दास ने इस पवित्र बचन को आधार बना के इस दी ही लड़ी प्रारंभ करनी है। पहली बेनती आप जी दे सन्मुख है कि संगत शब्द के आखरी अर्थ ने समूह इकट्ठ, इतों तक फारसी भी शब्द वरत्या हजूम, एक शब्द असी भीड़ भी वरतने का। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द भीड़ भी वरत्या संगत ने, साध संगत की भीड़ जो पाए इकट्ठ। केवल इंसान ही संगत का असर नहीं कबूलता। गुरु ग्रंथ साहिब के अमृत बचना अनुसार जो कुछ असी अपने चुगिरदे देखने का हर जड़ चेतन अपने नेड़े पैदा हुए दी संगत का असर जरूर कबूल दी। मैं सत संगत शब्द नहीं वरत्या, सिर्फ अजे शब्द लिया के संगत। हर चीज एक दूजे का असर कबूल करती है। सोसाइटी जिथे इंसान दी है इतों तक के जमीन ते पैदा हुए रुख ये भी अपने नेड़े पैदा हुए रुखा का असर कबूल दे। हर चीज असी बाणी चो देखा जमीन ते पैदा होया वृक्ष अपने गुण दूजे रुख नू दे सकदा है। ते कई बारी कई औगुणा नाल भरे को रुख जिहड़े ने उह दूजे रुख नू अपना औगुण दे दिंदे। कल्ले रुख ही संगत दा असर नहीं कबूलदे कि आसमान विच उड्डण वाले जिहड़े पंछी ने परंदे ने उह भी संगत दा असर कबूलदे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी मुताबक जमीन के उपर जो पानी है यह पानी भी संगत का असर कबूलता है। सत संगत शब्द ने सिर संगत इकला पानी ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबक मैटल धात भी संगत का असर कबूलती है। एक एक प्रकरण असी गुरु ग्रंथ साहिब चो लेंगे। पहली बेनती है कि जी बनस्पति है जेड़े रुख ने यह भी संगत का असर पै कबूल दे। गुरु ग्रंथ साहिब वैसे तो बहुत सारे रुखा का जिक्र आया है पर मैं दो तीन रुखा का जिक्र जरूर करांगा कि जिवें एक रुख दूजे रुख को अपने गुण दे देता है तो एक रुख अपना औगुण दूजे को दे देता। हालांकि मैं बेनती की रुख बड़े बाणी चाहे
जदों असी आसा की वार पढ़ने हैं तो पहली पौड़ी के नाल तीजा श्लोक एक रुख का जिक्र करता है बनस्पति का तिल। असी पढ़ने नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआव जो उत एक रुख का जिक्र किया जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर अंग रुख का बड़ी बड़ी जिक्र आया। हजूर ने फरमाया कि जिन्हों का साई नाल मिलाप हो जाए वह इस तरह ने जिमें अंब की शांत ले बैठे हुए से अंबी शावड़ी ही दी। गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी विच एक रुख खास करके जिदी तुलना नाम नाल कीती गई जिन्हों तशबीह गुरु नाल दिती गई जिन्हों गुरु की बरकत समझाने लई आधार बनाया गया वह ब्रिक्ष नूं आपां चंदन कहिंदे दे। चेते रखो मैं इस दीवाना विच इसे सबजैक्ट में दे यतन करन दा इसे ते बोलन दा यतन करन दा विचार करन दा कि जिस बंदे दी सोसाइटी चंगी हो जाएगी सच है उस बंदे दा जीवन भी अवश्य चंगा होवे। हुण एक ब्रिक्ष है चंदन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने इस रुख दा बड़ी बड़ी जिक्र किया। श्रीमान भाई गुरदास साहिब ने बहुत जिक्र किया चंदन ते रुख बारे ये कहा जाता है कि उसनू परमात्मा ने जमांतरू ही गुण दिते क्योंकि उहदे च गुण कोई भरदा नहीं वह जमदा तो उहदे जमदे विच ही परमात्मा ने गुण पा दिते। उस रुख का पहला गुण यह वे कि उहदी तसीर बड़ी ठंडी है चंदन तपश वाला नहीं ते दूजा गुण उहदा एक है कि वह कभी भी औगुणा विच घेरिया होया अपने गुण नूं नहीं छड्डदा। जिवें असीं बाणी च पढ़ांगे कि चंदन की तसीर संधी उहदे कोल इन्ना गुण है कि जदों सप जहर नाल भर जांदा ते जहर उस सप नूं तंग करदा पीड़ा दिंदा ते सप की करदा चंदन दे रुख दीआं टाहणीआं ते तने ते चंबड़दा ते अपनी जीभ नाल चंदन की लकड़ नूं चटदा क्योंकि उस जहरीले सप नूं जे किते कोई टकाए शांति मिल सकती है ते चंदन की ठंड की तसीर विचों मिल सकती है। देखो असी एक एक सबजैक्ट देखांगे बाणी चों कि एक रुख दूजे नूं चेंज कर रहे है। पानी संगत का असर कबूल रहा है पंछी संगत का असर कबूल रहा है ते इंसान क्यों नहीं सोसाइटी का असर कबूलेगा। सियाने लोग तो कहते हैं जमीन ते पई हुई मिट्टी भी संगत का असर कबूल जाती है। हुण चंदन का रुख उहदी तसीर ठंडी ते जदों किते सप तड़पदा है जहर नाल वह चंदन नूं चटदा है ते चंदन अपनी ठंड तां नूं दे दिंदा है पर याद रखो जहरीले सप का जहर कदी भी कबूलदा इहदा मतलब उहदे कोल एडा वड्डा जमांदरू गुण है कि वह ठंड तो जरूर दे देगा पर चंदन उहदे नेड़े रहे चंदन के नेड़े सप रहे सप का असर कदी नहीं कबूलदा। सतगुरु ने जो जीवन वाले संत का जिक्र किया तो उन्होंने चंदन नाल तुलना दे के उस गुण नूं उजागर किया कि कबीर संत ना छाड़े संत ई का अर्थ संत मुणे दे गुण चोला नहीं खिमा करो बाहर का लिबास नहीं संत अपने अंदर दे संत गुणा नूं कदी नहीं छड़दा भावें करोड़ा साखत बंदे उन्हूं मिल जाण। किवें कहन लगे कबीर संत ना छड़े संत ई जो कौटक मिले असंत मैला कर कोई अंगम बेटिया ता शीतलता ना तजंत। हुण चंदन नूं सप ने घेरिया पर की वह अपनी शीतलता नूं जहर विच तब्दील होण दिंदा नहीं चंदन की संगत करके एक सप उहदा जहर भी उहनूं दुख तो वह बच जाता है उन्होंने शीतलता ठंड मिलती है। गुरु साहब की बाणी महाराज जी ने जब चंदन का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि देखो एक ब्रिक्ष अपने गुण दूजे किवें प्रवेश करता। भाई साहब गुरदास साहब का तो वचन है कि जदों चंदन विचों महक निकलती तो हवा उहदे नज़दीक तो लंघे हवा ही तो सुगंधी नूं अगे लैके जाती चंदन विचों सुगंधी पैदा हुई ते जदों तेज हवा चली उस हवा विच सुगंधी मिल गई ते उस हवा ने चंदन की सुगंधी नूं लिया ते नेड़े खलोते हुए रुख जिहड़े ने झाड़ियां कंडियां वालियां अरिंड का रुख किक्कर का रुख
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਅਰਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੁਛ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੋਲ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜ ਵਕਤ, ਪਰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਚਰਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰੁੱਖ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਓ ਤੇ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਬਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਦੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਟਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਆਪਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਮੰਨਾਂ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇਬਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੜੇ ਰਾਗ ਆਸਾ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਦੋ ਰੁੱਖ ਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦੋ ਰੁੱਖ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਖੰਭ ਇਰੰਡ ਬਾਪੜੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੀਚ ਰੁੱਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ, ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸਨ ਅੱਜ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਰਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਗੁਣੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਭਤ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰੁੱਖ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਦਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਾਂਸ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਂਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਔਗਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਗਣ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥੇ ਦਾ ਥੋਥਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਂਸ ਖਾਲੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਵਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਵਾਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਔਗਣ ਇਹ ਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਥਾ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਔਗਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੰਢ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਠ ਵਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਉਸਦਾ ਔਗਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਦੋ ਵਾਂਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਗੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਆਪ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਪੇਡੇ ਵਾਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਾੜਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਂਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਂਸ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ
अज या कल उन्हें अग जरूर लगेगी, क्योंकि जिथे वासदे रुख होण जंगलों विच तेज हवा चले ओदी रगड़ अग नूं जन्म दिंदी, क्योंकि वह दूजे नूं साड़ दिंदा। मैं एक रुख का होर जिक्र करा कि जिहड़ा रुख अपना औगण दूजे ते किवें लागू कर दिंदा है। बेरी का रुख है, इहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच आया। तो मेरे मन च एक दिन जदों संगत बारे बोलन लगा तो यही आया भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो पढ़िए केड़ी केड़ी चीज नेड़े रहण वाले का असर कबूल दी। हुण बेरी का रुख है, असा देखिए कि उहदे कंडे बड़े नुकीले तिखे नोक वाले कंडे, ते हुण बेरी का रुख जदों हवा चलदी उहदियां टाणियां खिलदियां, वह अपने लोर विच खिलदा है। पर गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन ने जे किते बेरी दे रुख दे नेड़े विचारा केला पैदा हो जाए, खैर वह भी रुख, बेरी अपनी मौज विच झुलेगी, हवा आएगी, ओदियां टाणियां हिलणगियां, पर जदों वह ओदियां टाणियां केले दे नाल ओदे पत्तियां नाल खैणगियां रगड़नगियां, ते ओदे तिखे कंडे केले दे पत्ते नूं चीर चीर के टुकड़े कर देणगे। हजूर ने कहा भलिया देख चंदन नेड़े किते पैदा हुंदो तेरे विच केले सुगंधी पैदा हो जांदी, बद किस्मती बेरी नेड़े पैदा हो गए इन्हें औगणा नाल तेनूं नहीं चीर दिंदा। सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण लिया कि कबीर मारी मरू कुसंग की, ते देखो रुख दो जिक्र उन्हां दा कीता, कबीर मारी मरू कुसंग की केले निकट जो बेर, ओ झूले ओ चीरिया साथ संग ना खेल, ओ झूले बेरी मौज विच झूलदी है ते केले नूं चीर दिंदी है। इहदा मतलब कि एक रुख कोल सुगंधी है, वह दूजे कंडे वाले रुख विच भी महक पैदा कर दिंदा है। एक रुख दे कंडे ने वह कोमल केले दे भी टुकड़े करके रख दिंदा। मैं बेनती करा एक रुख अपना गुण दे रहा है, दूजा रुख अपना औगुण दे रहा है। पर पाठ कर दें एक भाई साहब की रचना च आउंदा है वचन, भाई गुरदास साहिब उन्होंने एक तुक वरती है कि सतगुर पारस परस है कंचन करै मनूर मलीना। अगली तुक है सतगुर बावन चंदनों वास सुवास करे लाखीना। कई बार पाठ करते हैं मेरे मन च आया भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने कहा कि जेड़ा वास है उहदे च सुगंधी ने जश, भाई साहब ने यह कह दिता नहीं सतगुरु बांस विच भी सुगंधी भर देंदे ने पर तुलना चंदन दी दित्ती कि सतगुरु बावन चंदनों वास सुवास करे लाखीना। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने कहा कि कबीर बांस बढ़ाई बुढ़िया इं मत डूबो कोए, चंदन कह निकटा बस है बांस सुगंध न पाए। पर यह किवें तब्दील कर गई, सतगुर बावन चंदनों क्या तशबीह तां चंदन नाल ही दित्ती, जे कोई अगला कह गया हो ही नहीं सकता। पर गुरमुख विद्वान ने दे अर्थ किए, वह कहते जदों कोई बांस नूं कट दे, कट्टण तों बाद उस बांस का बरीक बरीक टुकड़े करके जिवें बुरादा नहीं बनता लकड़ का, वह बरीक जिहा बुरादा उहदे टुकड़े चंदन के रुख के थले विछा दे, हालांकि है वह बांस का ही एक अंश, तो उहदे उपर वह अपने वल्लों पानी के छिट्टे मारे ते कुछ दिनों तो बाद उस बांस के लकड़ के बुरादे विच भी सुगंधी आने लग पी। मतलब कि बांस अपनी मैं नूं मारे उहदे विच भी सुगंधी आ गई है। मैं बेनती कर रहा हाँ एक ब्रिक्ष दूजे नूं अपनी संगत विच रख के गुण देंदा है, एक रुख ऐसा है कि जिहड़ा अपने अंदर के औगुण दूजे नूं दे देंदा। इहदा भाव कि बनासपति संगत का एक दूजे के गुण आदान प्रदान करती है। दूसरी बेनती मैं करांगा कि असी आ पानी देखने, पानी भी तो संगत का असर कबूलदा, एक पानी की बूंद वह संगत का असर कबूले तो अमृत बन सकती है। तो चेते रखियो एक पानी की बूंद उन्हूं इहो जी संगत मिल जाए तो वह जहर बन सकती है, पानी असर कबूलदा है। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी विच दो श्लोक भगत कबीर साहब दे सी होर पढ़ते आ पाठ करने वाले विचों सज्जन बैठे, एक श्लोक है कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर भी भूम बेकार। निर्मल बूंद बूंद दर ते पानी, कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर भी भूम बेकार,
बेकार जमीन उत्ते कलाठी धरती ते नकम्मी जमीन ते पत्थरीली धरती उत्ते आकाश तो एक निर्मल बूंद आई ते पत्थरां वाली थां ते डिगी ते उस धरती दी संगत एनी नकम्मी मिली के एनी निर्मल बूंद भी सड़ के राख हो गई। कबीर निर्मल इहदे सी पावर देखा, कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इउं मान रही होए गई पाटशाह। इहदे अर्थ की देखो, जदों आकाश विचों बूंद डिगदी हर एक बूंद विच एनर्जी शक्ति तां है, पर सियाने लोग इहनू स्वांती बूंद दे अर्थ करदे कि जदों इह बूंद धरती ते डिगी ते धरती दी सल्ले कलरवा निकम्मी जमीन कीमती पानी की बूंद होवे ते निकम्मी धरती ते डिग पवे, जिस धरती विच ताकत नहीं माड़ी बूंद धरती की संगत करके एक चंगी बूंद भी सड़ के तबाह हो जाती है। गुरमुखो असल विच जदो इंसान का जन्म होया यह निर्मल बूंद की तरह, ते जदो समाज के निकम्मे लोगों की संगत करे ते निर्मल खिरदा भी एक दिन सड़ के राख हो जाता। इस विच इहदे अर्थ ए, दूसरा सलोक ध्यान नाल पढ़ो। इस सलोक तो बाद पहला सलोक सी कि निर्मल बूंद आकाश की पर भी भूम बेकार, बिन संगत इउं मानी होए गई पटशाह। दूसरा सलोक के कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिला, अनक सियाने पच गए ना निर्मारी जाए। हुण ओही बूंद पानी दी किते जरखेज धरती च डिगे, चंगी जमीन जिहड़ी वाही होवे उपजाऊ होवे उस विच पानी दी बूंद डिगे ते उहदे विचों अनेकां तरह दे अन्न फल रुख जन्म लेंदे ने। कहन लगे चंगी धरती की संगत मिले एक बूंद भी तरक्की कर जाती है, माड़ी धरती की संगत मिले तो पानी की बूंद भी सड़ जाती है। जब ये दो श्लोक पढ़े इहदी व्याख्या श्रीमान भाई गुरदास है उन्होंने अपनी रचना विच कीती है। मैं सारिया उदाहरण देन का मकसद इन्ना कुवे कि जेड़ा इकट्ठ गुरु कोल गुरुद्वारे हुंदा है प्यारे उहदे विच सत संगत दे लक्षण की हुंदी है। सत संगत हुण तां आपां देखने कई वारी बंदे सत संगत दे अर्थ भी अनर्थ कर जांदे। सत संगत चार बंदे इकट्ठ मान लो जिस दिन किसे कब्जा करना, किसे ने जोर अजमाइश करनी, जेड़े बंदे कदी बाणी भी ना पढ़ी सिमरन भी ना कीता कदी उहनू पता भी कुछ नहीं, उहनू कहांगे देखो जी सत संगत मेरे हक च खलोती। मेरी बेनती है सत संगत धड़े का नाम नहीं, सत संगत होवे जिस इकट्ठ विच बैठ के गुरु की याद आवे ते जिस इकट्ठ विच बैठ के बंदे दे अंदर की मैल धोती जाए। यह असी वेखांगे गुरबाणी अनुसार सत संगत की। पर मैं एक एक प्रकरण लिया है, एक रुख की भी संगत है, एक पानी की बूंद भी संगत का असर कबूलती। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी उन्हों का एक अमृत बचन है, एक पौड़ी है, मैं वह पौड़ी पढ़ देना ते अर्थ बड़े सौखे जाने कि एक पानी की बूंद ज्यों ज्यों जी संगत कर दी है उस तरह वह सुभा तब्दील हो जाए, उस तरह की तस्वीर तब्दील होंगी। कहते स्वांती बूंद नक्षत्री बूंद भी कहते कि जे स्वांती बूंद जमीन ते डिगे थले होवे पानी, मान लो बूंद बिल्कुल निक्की जी कतरा है ते थले होवे पानी दा दरिया, वह निक्की जी बूंद जदों पानी च डिगेगी ते दरिया की संगत करदिआं सार इक्को दम दरिया अपने जिन्नी वड्डी उहनूं बना देवे। हुण एक बूंद पानी की दरिया च डिगे ते आपां पहचान सकांगे वक्री नज़र आ रही, एक पानी की बूंद बिल्कुल छोटा जिहा एक कतरा समुंदर विच डिगा ते समुंदर ने आउंदिआं सार कहा भावें तेरा वजूद मेरे सामने बिल्कुल छोटा जिहा है पर जे मेरी संगत कीती है आ मैं जिन्ना वड्डा मैं हां इन्ना वड्डा तेनू भी कर दिंदा है। तां संगत ही है। हुण ओही बूंद पानी विच डिगी समुंदर जितनी विशाल बन गई। भाई साहब कहिंदे ने देखो संगत का असर, ओहदे वर्गी पानी की बूंद जदों वाही होई जमीन ते डिगी ते आपां देखने हां कि फल लगे फलां विचों रस चोया। जेकर कोई पुछे रस कित्थों आ गए, कली मिट्टी ने नहीं, अदास कर लंघ के आ रहा सी बाई रोड किन्नी जमीन पई इत्थे, इस धरती च बीज पा के देखो पानी तो बिना कदी रस पैदा नहीं हो सकता क्योंकि पानी का सुभा ही रस पैदा करता।
ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਉਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ। ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਸਮਾਂਤੀ ਬੂੰਦ, ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਪੂਰ ਬਣ ਕਪੂਰ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਪੀ ਤਰਦੀਆਂ ਸਿੱਪੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੂੰਦ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਫਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਉਹ ਅੰਨ ਤੇ ਫਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰਸਦਾਇਕ ਫਲ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਉਸ ਵਰਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੂੰਦ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆ ਸਿੱਪੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੇਗੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਐਸੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਡੁੱਬਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਪੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮੋਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੋਤੀ ਬਣਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦਾ ਰਸ ਬਣਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਪਰ ਗਈ ਭੂਮ ਬੇਕਾਰ, ਬਿਨ ਸੰਗਤਿਓ ਮਾਨੀ ਹੋਏ ਗਈ ਪਾਟਸ਼ਾਹ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਮਿਲਾਏ, ਅਣਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਗ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਰ ਵਰਸਾ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਜੋ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸੰਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਸੰਸਰ ਵਰਸਾ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਜੋ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਲ ਅੰਦਰ ਜਲ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਧਰਤੀ ਬਹੁ ਭਾਈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ? ਜਲ ਅੰਦਰ ਜਲ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਧਰਤੀ ਬਹੁ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਕਿਰਖ ਬਿਰਖ ਰਸ ਕਸ ਘਣੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਕਿਰਖ ਬਿਰਖ ਰਸ ਕਸ ਘਣੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਹਾਈ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦੀ ਦਿਸੇਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ ਰਸ ਕਸ ਘਣੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਹਾਈ, ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਹੋਏ
सीतर सुखदाई मोती होवे सिप मुंह बहु मोल बुलाई। भाई साहब कहते बिशियर दे मुंह कालकूट, बिशियर कहते सप नूं ते कालकूट जहर, बिशियर दे मुंह कालकूट चित में बुरियाई, ते अखीर विच कहते ने आपे आप वरतदा संत संग सुभाई। चेते रखियो बूंद तां इको है, जिहो जी संगत मिली ओ जिहा सुभा हो गया इंसान ते सारियां विच रब दी जोत गए, जिहो जी जन्म पा के संगत मिली ओ जिहा बंदे दा सुभा बन गया। हुण इस तों अगली मैं बेनती करनी चाहां, हर चीज असी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते गुरमत दे सारे तोला रुख तब्दील करदा दूसरे असर पाउंदा है, पानी की बूंद चेंज होंदी है संगत का असर करके। तीसरी बेनती करा, जेड़े धरती ते उड़न वाले परंदे ने पंछी ने यह भी संगत का असर कबूल दे। आप कहांगे जी यह किवें सोसाइटी संगत का असर कबूल जाते। भाई साहब जी की रचना विचों एक मैं बेनती गुरु ग्रंथ साहिब विचों करांगा कि आप कहांगे पंछी भी चेंज हो जाते, बिल्कुल चेंज हुंदा। अज भी तुसी देखो सकदा इत्थे भी कौन अपने इंडिया विच जाइए, मैं तो अपन अखा न देख के तुसी भी देखे होने, हुण एक पंछी आदमी खरीद के लै उन्हूं पिंजरे च बंद किया, अपने वालों वह दाना पाउण लग पे। मन एक तोते ही, गुरु ग्रंथ साहब ने वैसे तोते का जिक्र किया बाणी, हुण तोता है उन्हें बंदे की संगत की, बंदे उन्हूं खुराक पाई चूरी पाई दाना पाया जो दी खुराक सी, पर निरंतर कुछ दिन इंसान अपनी जबान तो कुछ बोल बोली उस पंछी दे नेड़े उन्हें बोलना शुरू कर दिता। जो पंजाबी जानता है तो पंजाबी दे जिहड़े शब्द ने, तोता ऐसा ऐसा बंदे की संगत करद्या करद्या धात की दिती खुराक खाद्या खाद्या एको जहा अपने गले तो शब्द उचारन लग पैंदा जिहो जिहा शब्द बंदा बोलता, भावें मुकम्मल समझ ना पाए पर सानू उहदी साउंड विचों इंज भासेगा जिवें यह कह रहे। जिवें मान लो एक तोता किसी बंदे ने खरीद लिया, असीं उहदे घर च जाने ते घर च प्रवेश करद्या आवाज आउंदी है जी आया, आप सोचने भी यह जी आया कौन कह रहा है, ना कोई बच्चा ना कोई बजुर्ग ना कोई इस्त्री, फिर आवाज आती है जी आया, सब देने को जी आया। तो जो असी उस आवाज वाल तकने तो असल में आदमी नहीं, पिंजरे में प्या होया एक तोता बंदे वर्गी आवाज गले तो कड़ के कहता पे जी आया, वर्गे पता नहीं किन्ने कु तोते जंगल चुटते ने पर ओदे गले विचों आवाज बंदे वर्गी निकल लग पई जिन्हें कई महीने बंदे की संगत की। इहदा मतलब एक पंछी संगत का असर कबूलिया। देखो एक होर बेनती करांगे, असी हर चीज नूं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं जीवन जांच नाल जोड़ के देखिए, नूं केवल जबान के कथन नाल जोड़ के ना देखिए। मान लो मैं जबान तो बोल रहा प्रमाण दे जा रहे हैं जो भाई साहब ने शब्द पढ़े, पर जब असी जीवन जांच लियावांगे तो बड़ी वड्डी तब्दीली होवेगी। एक पंछी आदमी की बोली बोलता है, गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द होंदा है गनका, आप जी बड़ी बड़ी पढ़ते हो तो खास करके भगत बाणी ते गुरु तेग बहादुर साहब ने दा जिक्र किया, जिवें हजूर दे अमृत बचना सी पढ़ने, मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गनका सी उदरी ता को जस उरता। गनका दा अर्थ आम तौर ते वैश्या कीता जांदा वेशवा, पर इस शब्द दा जिहड़ा अखरी अर्थ है ना गन का, गन का अर्थ हुंदा समूह बहुत सारा इकट्ठ, का दा अर्थ है दा, गनका दा अर्थ है कि जिस जिस्म उत्ते बहुत सारे लोग अपना हक जमा देखो गनका। वेशवा दा अर्थ है शब्द है एक वैश, वैश दा अर्थ है व्यापार, वेशवा दा अर्थ है जिन्हें अपनी रोटी दा साधन अपने तानू बना लिया। बेनती करांगा देखो गुरु साहब की बाणी ने उस पंछी का जिक्र किया, कई बार हुण जदों कोई नाम जपदा है ये मैं पारकली भी अर्ज करके आया, आम तौर पर जिस बंदे ने जपया नहीं वो इको गल कहिंदा की तोतियां वांगू तोता रटने, साडे बड़ी शब्दावली सच्ची गल सी कथा करने वाली कहने ये जी तोता रटन है,
पता नहीं एक दिन सतगुरु का पाठ करद क्या मना जे सुखिरदता नाल देखिए इत तोते रटांदे हुए बंदे तर गए पंछी नू रटांदे होया। एक पंछी ने फकीर की संगत की और राम बोलन लग पिया ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है एक वेशवा ने पंछी की संगत की राम जपन की जा चा इहदा मतलब एक पंछी संगत का असर कबूलता है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो दर्शन करी उस पंछी। हालांकि प्यारो ये जिहड़ा जपदा पता उन्हूं अंदर का अनुभव अपना है। स्याणे लोग कहते ने समझाण वास्ते वैसे तो बाणी का वचन है कहते एक फकीर दिन रात बंदगी जुड़िया मालक की याद भी जुड़े रहन ते याद भी जुड़े जाने का अर्थ यह नहीं कि काम काज छड़ दे। ये गल फिर बेनती सुनो गुरमत ने उस साईं की याद नूं हर काम नाल जोड़िया। तो मैं होर बेनती करा जिस काम विचों जिस तालीम विचों जिस ज्ञान विचों जिस पदार्थ विचों जिस चीज विचों रब की याद विसरती होवे वह किसे रूप विच होवे वह साडे वास्ते वह माया है। वह चीज माया माया केवल करंसी नहीं डॉलर नोट रुपये नहीं गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक हर वह चीज माया बन जाती है जिन्हों देख के साई विसर जाता। सतगुरु ने अमृत बाणी वचन किया है कि यह माया जित हर विसर है। यह माया मतलब डेफिनेशन यह है माया ए माया जित हर विसर है मोह उपजाए भाव दूजा लाए मन लिया जाए कि मेरा मैं बोल रहा मैं कथा कर रहा मैं कीर्तन कर रहा मेरे बोल संगत को प्रभावित करने इन्हों बोलना पिछे पै के मैं खंगता पकड़ लवान रब की याद भूल जा याद रखियो ये चीज भी माया बन जाए। हर वो चीज जिदे विचों साईं की याद विसर जाए वह माया है। तो बेनती कर जिस चीज विचों रब की याद आ जाए वह रब की दिती हुई कीमती दात है। मैं एक प्रमाण के संबंधी के एक पंछी बंदे की संगत करे उन्हूं भी राम बोलना आ जाता है पंछी भी संगत का असर कबूलता है। भाई साहब भाई गुरदास है उन्हां दी रचना विच मैं रात भी एक बेनती करके आया मैं तो शब्द दौरान लगा गिरफ्त सी रात में मैं बेनती करा गुरमुखो नीयत रास होवे अंदरों बंदा तुरन लई ईमानदार हो जाए गुरु तो बड़ी वड्डी बख्शिश है गुरमुख की संगत तो बड़ी वड्डी दात है अंदरों ईमानदार हो के चले तो कई बार चंगी पंछी के गुण भी बंदे तब्दील कर दिया। भाई साहब ने उस पंछी का जिक्र किया भाई गुरदास साहब मैं पौड़ी पढ़ागा कुछ वो शब्द सिर इस करके चुनी है एक पंछी भी संगत का असर कबूल है। भाई साहब भाई गुरदास साहब का यह सुखन है वारा विच पौड़ी के सियाल के दिल सन ते ओ मीह पै रहा सर्दी बहुत ज्यादा मैं जिसका जिक्र कर लगा फकीर का भजन बंदगी जुड़िया रहा है पर एक उन्हें की किया अपने कोल पंछी पाल के रख ले उन्हें राम राम जपाना शुरू कर दिया रटान लग पाया तो उस पंछी का सुभाव बन गया अद्धी रात लंघनी तो उसने फकीर की कुली विचों नेम अनुसार राम राम बोलन लग पे। हुण करिए कि गुरबाणी विच तां भगतां नूं चिड़ी चहकण विचों भी रब सुनाई दिता ते अंदरों टुटे हुए बंदियां नूं जदों रब बंदे अंदर बोलदा होवे भी सुनाई नहीं दिता। चिड़ी चौकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग जां सतगुरु दे अमृत बचन असीं पढ़दे सतगुरु ने कहा खौ बलिखारी तिना पंखियां जंगल जिन्ना वास ककर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। गुरु रामदास दे बचन ने जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सोगन हर जापत कह दी होर कहन लगे जंगल दे पंछी भी जदों बोलते ने सच इहदी रब तो बिना कुछ नहीं बोलते। असी जाप साहिब पढ़ने जदों हवा चलती है ते तेज हवा दे टकरा नाल पर पत्तियां विचों नाद निकलदा आ रुख दे पत्तियां विचों आवाज आउंदी असी करांगे अज हवा की शान शान नाल रुखां दीआं टाणियां विचों आवाज पर गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे नहीं इन्हां रुखां दे पत्तियां विचों भी नेत नेत दी धुनी पई आउंदी।
त्रैपावन विही सुर नर असुर अगली तो कि नेत नेत बाण तृण कैत जंगल ते तिनके भी हजूर नाद विचो नेत नेत संस्कृत का शब्द ना कि जिन्ना मैं बोल दिता रब इस तो भी अगे नेत नेत बाण तृण कैत। भाई साहब कहते फकीर रब दे रंग च रहता वह पंछी ना रोज रहिंदा खनेरा पै गया सर्दी की रुत सी मीह पिया ठंडी हवा चले उन्हां कोल टिकाणा कोई नहीं रात जंगल च रस्ता भुल गए सामने की देखिया एक घर विच दीवा बलदा है वह फकीर वह साधु उस बलदे पर दीवे की दी लो नूं निशाना बना के तुर पे दरवाजा बंद सी उन्हें दरवाजा खड़काया ते अंदरों गहणियां दे शंकन की आवाज आई दरवाजा खुलिया ते औरत उन्हें तन ते खार शिंगार किया उस फकीर दे हाथ च पिंजरा च तोता ते उन्हें देखदिया सार उस बीबी ने शब्द किया बेटा पुत्र धीए सर्दी बड़ी मैं एक रात इत्थे रह सकना एक रात मैनू थां मिल सकती है। जदों उन्हें शब्द कह पुत्र धीए ते इक्को दम वह औरत रोन लग पई संत ने साधु ने गल की मैं देख कोई कबूल नहीं बोलिया कोई अंब शब्द नहीं किया मैं सिर्फ रात रहना है सर्दी बहुत है एक पंछी मेरा साथी है कपड़े साढ़े भिजे ने जे तेन चंगा नहीं लगा असी किसी रुख थले खड़े रहेंगे पर सर्दी सी मैं तां सोचा कि अग बलदी होवेगी। उस औरत ने रोंदिया कहा कि असल तुहारे शब्द सुन के मैं रोई जरूर खा पर मेरे रोण का कारण यह नहीं कि तुसी अप शब्द क्या है कोई कबूल बोले है शायद साधु तेनू पता नहीं कि जिस बुवे ते तू आ खलोता है इस बुवे ते केवल तन दे व्यापारी आते सिर्फ वासना दे मारे लोग रोई मैं ता हाँ कि अज तक मेरे तन नू देख के मंद वासना वाले आए पर अज कई साल तो बाद ऐसा शरीर आया जिसने मेरे भ्रष्टे हुए शरीर विचों भी धी नू देखिया। तुसी बेटी शब्द क्या मैं सोचा कि अज कोई है दुनिया च जिहड़ा गर्के हुए जीवन नू बेटी जान के सत्कार कर ले ता मैं रोई खां कि मुद्दत बाद तेरे तुहाडी शकल विचों मैनू अपने बाप की पिता की शकल नजर आई अंदर लै गई उन्हें अपने जीवन की विथ्या सुनाई मैं सिर्फ अपने प्रकरण च रहांगा बिन भागा सतसंग ना लभे बिन संगत मैं प्रीते जीव ते शुरू कीती है संगत की अंदर लै गई उन्हें जीवन की कहानी सुनाई क्योंकि इंसान दे थिड़कदियां कोई पता नहीं लगता। मैं बेनती करा जीवन यात्रा है पता नहीं कई बार चंगे रस्ते ते बंदे एक खिण तिलकन ते रसातल विच डिग पैंदे ने कई बार रसातल विच डिगे हुए बंदियां नूं किते पगडंडी मिल जाए ते मंजिल ते पहुंच जाए। सतगुरु ने मारू डकने च एक बचन किया है कह लगे लंघण वाले बंदिया चेते रखी धरती उत्ते सिर्फ एक पैर ही रखना एक पैर जिनी थां आपां घेरनी कदी दो पैरां नाल बंदा इकट्ठा नहीं तुरिया इकट्ठे दो पैरां नाल कदी तुरदा देखे छड़प्पे मारेगा तुर सकेगा हमेशा एक पैर ही धरती का सहारा रहिंदा है एक पैर ऊपर उठदा है एक एक कदम ही तुरदिया ध्यान नाल तुरी क्योंकि जिस धरती ते तुर रहे सिर्फ इक्को पैर तेरे लिखे किते तेरा पैर तिलक ना जाए 99 कदम चंगे रखे होण एक तिलक गया ते चेते रखी 99 कदम ही दानी करके जा जाए। सतगुरु दा बचने कुरिए कुरिए वहिंदिया कुरिए दा ते पगडंडी जिन्हों आपां सिद्धे जां पेंडू शब्दावली च कह लईए वट खेत दी वट कुरिए कुरिए वहिंदिया तल गावां मैं रेर वेखे छिट्टड़ थीम दे चाम किसम दो पैर जिन्हां लोकां दे एक पैर तिलके उन्हां लोकां दे पूरे तन जिहड़े नूं चिक्कड़ दे नाल भरे। उन्हें अपने जीवन की कहानी सुनाई कह लगी आ कुछ मेरे नाल वापरिया अज मेरा तन सिर्फ वासना है। उस फकीर की मैं संगत बारे बेनती कर लगा उन्हें कहा पुत्र एक गल मेरी मान लेंगी जे तू अज रोई है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਇਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਤੜਪ ਕੇ ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਬੋਸਾ, ਬੋਸਾ ਦਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ। ਤੜਪ ਕੇ ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਬੋਸਾ, ਕਾਂ ਜੋ ਸਰ ਕੋ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਵਕ੍ਰਿਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ। ਜਪ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਹਰ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਲ ਕਰਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੁਕਾਇਆ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤਲੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ? ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਖ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਮ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਹਿ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਕਰੋਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਹਿ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਕਰੋਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਣਕਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਪੰਛੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ। ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਹਿ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਕਰੋਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਣਕਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭੈੜੀ ਮਤ। ਉਹ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਆਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ
ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਇਸ ਬਦਬੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਸ ਉਂਧ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਏਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ ਸੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਦਰਦ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਏਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਹਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਕਰੋਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੰਛੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਤੋਸ਼ ਤੋਤਾ। ਪੰਛੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਤੋਸ ਤੋਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਖੇਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣਜ ਸੋਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ, ਜੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਤਿਸ ਤੋਤਿਓ, ਤੋਤੇ ਦਰਦ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਤਿਸ ਤੋਤਿਓ, ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਰੇ ਅਸੋਤਾ, ਪਤ ਤੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਦੁਰਮਤ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ। ਉਸ ਤੋਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਗਣਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਗਰਕਿਆ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ, ਅੰਤ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਤੋਤੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬੰਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਦੀ, ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਕੱਲੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਡੱਕਣੇ 'ਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਥਿਆਊ ਸੇਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਜ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਨੈਣਾ ਪਿਰੀ ਵਿਛਾਵਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਖ ਕਿਮਾ ਉਬਾਰੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮੇਰੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗਣਕਾਂ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵਾ ਪੜਾਵਤ, ਸੁਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤੋਤਾ,
सूटा शब्द भी बाणी च होंदा है, इहदा अर्थ भी तोता। सोहा पढ़ावत गणका तरी सो हर नैनो की पुतली, वह परमात्मा दी अखां दी पुतली बन गई जिन्हें एक पंछी की संगत की। मैं फिर दोहरान लगा, भाई साहब ने शब्द पढ़िया बिन भावना सत संग ना लभै, अजे सिर्फ अजी प्रकरण शुरू किया अज बिन संगत मैल भरीचा जियो। संगत केड़े केड़े रूप च है, जिन्ना को असी अज बोलिया है इनू दोहरा लईए कि जमीन ते उगे कोई रुख ये भी एक दूजे के गुण औगुण ग्रहण कर जाते। धरती ते डिगिया हुई पानी के कतरे बूंदा ये भी संगत का असर कबूल कर दिया। आसमान विच उड़न वाले पंछी ये भी संगत का असर कबूल करते हैं। तो मैं अगली बेनती कह के समाप्ति करांगा कि मैटल भी संगत का असर कबूल करता है। धात जी आप कहेंगे एक शब्द बाणी च बड़ी भी होंगे पारस, असं पढ़ने पारस की वर्ती गुरु ग्रंथ साहब के बचन मुताबक देखो जो ख्याल दिते, एक पारस की संगत तांबा करे तब्दील हो के सोना बन जाता है। लोहा मैटल है, पारस की संगत करे तो सोना बन जाता है। वह सतगुरु कहते ने भलिया जे एक पारस की संगत धात करे तो कीमती सोना बन जाती है, तो जिहड़ा मनुख गुरु के शब्द की संगत तो शब्द कमाण वाले की संगत करे उसका जीवन क्यों नहीं बदल हो, उसका जीवन पलटेगा। मैं ये जो तीन प्रमाण दिते ने इनू एक शब्द में कह के इस लड़ी को भुलो ना। परसों के दीवान दोपहर का दीवान है, इतने मैं बेनती करांगा इस संबंधी होर आप गुरबाणी चो कीमती खजाना लभांगे कि संगत किवें करिए, संगत भी जाण वाले का अंदर किवें होवे। समा मेरा मुकम्मल हो गया, सिर्फ एक मिनट है। गुरु ग्रंथ साहिब एक शब्द है जिहड़े असी प्रमाण लै, पानी तब्दील हुंदा है, रुख तब्दील हुंदा है, धार तब्दील हुंदी है, वह प्रमाण कबीर जी ने लिया। कहन लगे भले लोगो देखो मैं गुरमुखां दी संगत की, वह अपनी गल कह रहे ने, कबीर कित्थे पहुँच गया दूजे की नहीं। उन्हां दा वचन है शुरू हुंदा गंगा कै संग सलता बिगरी, बिगरी का अर्थ तब्दील हो जाना, गंगा भी पानी ते सलता दा अर्थ नदी का भी पानी। गंगा कै संग सलता बिगरी सो सलता गंगा हो बिगरी, गंगा का रूप हो गए। तो यदा सिर्फ इन्नी लैना कि मैला पानी निर्मल हो गए, बिगड़ो कबीरा कबीर बिगड़ गया, तब्दील होया, पंजाबी वाला बिगड़ गया नहीं, चेंज हो गया। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, राम दुहाई दा अर्थ परमात्मा के नाम नूं बोल के, राम दुहाई साच भयो अन कतै ना जाई। अगला वचन पारस कै संग तांबा बिगड़ियो मैटल, सो तांबा कंचन होए निबरियो, कंचन दा अर्थ सोना बन गया। चंदन कै संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर ओ वृक्ष ओ रुख, सो तरवर चंदन होए निबरियो, संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम है होए। गुरमुखां दी संगत कीती, कबीर दा काम तां मरे लोकां दे कपड़े सीना है ना, कपड़े बुनते पहने खड्डी ते बैठे, कह लगे हो लोको देखो मत कि मैं जुलाई दे कर पैदा होया, मैं किन्ना मेरी गल ते यकीन करो, सानू कह रहे ने कि मेरी गल ते यकीन करो, मैं चेंज हो गया कि जिवें एक पानी निर्मल पानी विच मिले ते निर्मल हो जाता है, चंदन की संगत अरिंड करे ते चंदन हो जाता है, पारस की संगत तांबा करे ते सोना बन जाता है। जुलाहे दे घर पैदा होया खड्डी बुन वाला जदों गुरमुखां दी संगत करे ते ओ जुलाहा भी रब दा रूप हो जाता। इस प्रकरण नूं चेते रखे आपां परसों दे दीवान विच, क्योंकि ये बड़ा वड्डा एक विशा है। अज भी असीं कहिंदे हां ना कि न्याणे चेंज किवें होण, सच्ची गल देश विच इत्थे भी सब समस्या। मैं बेनती करां कि वी जाए कि इन तां दे मुंह ते संगत की कर दे सोसाइटी की चली, जिस्मां दी तन दी संगत ने गुरमुखो साडियां अखां दी संगत दे, जो कुछ असीं वेखने ना अंदर पाने आ साडे कन्नां दी संगत दे जो सुनने आ अंदर असर हो रहा है। मैं बेनती करां गुरमुखो कि संगत जीवन नूं पलटदी है, माड़ी मिल जाए ते बंदा डुब जांदा है, चंगी संगत मिले ते तर जांदा है, माड़ी होवे ते
ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਠੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।